सो व्हाट्स अप फैमिली, वेलकम बैक टू ऑटो कार गैराज। तो भाई आज हम फाइनली अपनी गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं। गाड़ी के बारे में बात करें तो भाई ये है किया सोनेट एसटीएक्स डीजल ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट है भाई। इस गाड़ी की भाई हमने डिलीवरी वीडियो भी बनाई थी, अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक देखने को मिल जाएगा। आज वीडियो के अंदर मेन बात करते हैं भाई, एक ओनरशिप रिव्यू दूंगा मैं इस गाड़ी का, क्योंकि भाई मैं इसको 1.5 महीने के अंदर अराउंड 4000 किलोमीटर प्लस मैं इस गाड़ी को रन कर चुका हूँ। उसके अलावा भाई मेन बात करते हैं इस गाड़ी की मॉडिफिकेशन के बारे में भी, कि मैंने भाई इस गाड़ी के अंदर क्या क्या काम कराया है। वैसे तो भाई ये एसटीएक्स मॉडल है डीजल ऑटोमेटिक का, मोस्टली सेकंड टॉप मॉडल में से ये काउंट होता है। सो भाई आज इसके बारे में बात करते हैं कि भाई क्या मैंने इसके अंदर मॉडिफिकेशन कराई है, इसका ओनरशिप रिव्यू, क्या आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए। और पर्सनली काफ़ी लोग ये मेरे से ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई तूने ये गाड़ी क्यों ली, तो भाई इसका भी रीज़न देंगे आपको वीडियो के अंदर। तो भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई, गाड़ी मैंने क्यों ली, क्या मेरा इसका रीज़न था। तो सबसे पहले भाई मेन रीज़न ये था कि मेरे को इंस्टेंट गाड़ी कोई चाहिए थी, क्योंकि यार मेरे को ना थोड़ा गाड़ी की इशू हो रहा था। तो भाई मैंने सोचा कि यार इंस्टेंट गाड़ी तो कोई मिलेगी नहीं, वो भी स्पेशली विदाउट प्रीमियम के ऊपर। तो भाई मैंने थोड़ा भादुरगढ़ जाके पता किया, तो भाई मेरे को ये गाड़ी बिल्कुल इंस्टेंट मिल गई थी। गाड़ी भी मेरे को काफ़ी पसंद थी, बट भाई सही बताऊँ ना, जब मैंने इस गाड़ी को बाद में चलाया ना, तो मेरे को पता नहीं था कि इस गाड़ी के अंदर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है। मैं इसको नॉर्मल एक्सपेक्ट कर रहा था, बट भाई गाड़ी बहुत अच्छी निकली। अब भाई मैं इसको अपना पर्सनल यूज़ के अंदर यूज़ कर रहा हूँ गाड़ी को, इसकी मॉडिफिकेशन के बारे में भी सारी बात करेंगे भाई। तो मैं 1.5 महीने के अंदर अप्रॉक्सीमेटली भाई इसको 4000 किलोमीटर चला चुका हूँ। मैंने इसको पहाड़ों पर भी चला के देखा है, मैंने इसको नॉर्मल सिटीज़ में भी, हाईवेज पे, हर जगह मैंने इसको टेस्ट कर लिया भाई। गाड़ी की परफॉर्मेंस भाई बहुत बढ़िया निकलती है भाई। उसके अलावा मेन बात करें ना भाई इसकी माइलेज की, तो भाई कंपनी तो क्लेम करती है इसकी 18-19 के करीब की माइलेज की, बट भाई रियल लाइफ के अंदर ना ये बिल्कुल बेकार ट्रैफिक के अंदर, बिल्कुल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर भाई ये मेरे को 12 की एवरेज निकाल के दे रही है। एंड भाई अगर मैं इसको नॉर्मल चलाऊँ ना ठीक ठाक रोडों पर, तो भाई 14-15 तो ये आराम से दे ही रही है। माइलेज के मामले में भाई बहुत बढ़िया निकली है गाड़ी। बाकी अब भाई मेन बात करते हैं कि इसकी मॉडिफिकेशन के बारे में। तो भाई मॉडिफिकेशंस ना, सबसे पहले आप फ्रंट प्रोफाइल के अंदर देखेंगे ना भाई, तो भाई सबसे पहले आप बोनट पे देखेंगे, इसी पे नज़र जाती है सबकी भाई। मैंने लगवा रखे हैं स्ट्रिप्स, स्ट्रैप्स भी कह सकते हैं भाई बहुत लोग। अब भाई सबसे पहले तो मेरे को कमेंट करके ये बताओ कि ये चीज़ मेरे को रखनी चाहिए गाड़ी की लुक अच्छी बना रहे हैं, या फिर मेरे को हटा देनी चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बता देना गाइस। उसके बाद मेन बात करें ना यहाँ पे, तो भाई ये आपने ऊपर DRL मिल जाती है, नीचे हेडलाइट्स मिल जाती हैं भाई, सब ये वाइट LED के अंदर देखने को मिलता है। बाकी पर्सनली बताऊँ ना, तो भाई जो इसका वाइट वाला थ्रो है ना, ये भाई इतना खास नहीं है, रात के टाइम पर इतना इफेक्टिव नहीं है। अच्छी बात करें ना, तो यहाँ पे आपको कंपनी से ही ना प्रोजेक्टर देखने को मिल जाता है यहाँ पे इसको, आपको फॉग लैम्प की जगह। तो भाई इसका भी जो कंपनी से थ्रो आया था ना, वो येलो आया था, एंड भाई उसका भी थ्रो का रिस्पॉन्स आना वो भी इतना खास नहीं लगा मेरे को। तो भाई मैंने अपग्रेड किया, 150 वॉट मैंने इसके अंदर लाइट डलवा रखी है, एंड भाई प्रोजेक्टर्स के अंदर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। मतलब रात को मोस्टली मैं इसको जला के चलता हूँ ना, तो ऊपर वाली लाइट भी जलाने की मेरे को जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी एक बार आप पूरी गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल देख लो भाई, यहाँ पे भाई मैंने थोड़े रेड इंसर्ट्स कराए हैं, क्योंकि भाई ये GT लाइन तो नहीं है, उससे एक नीचे वाला वेरिएंट है। GT लाइन के अंदर पूरी रेड इंसर्ट्स आते हैं, बट भाई मैंने उसके अलावा मैंने हर जगह गाड़ी के अंदर रेड इंसर्ट्स करा रखे हैं। बाकी भाई ये जो आप देख रहे हो, ये भाई एक एसेसरी का पार्ट रहता है, बम्पर प्रोटेक्टर, चारों जगह लगता है इसके अंदर। भाई रेड टेपिंग मैंने कराई है गाड़ी के अंदर, यहाँ पे आप दोनों जगह देख सकते हैं। बात करते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल से, कि भाई साइड प्रोफाइल के अंदर मैंने क्या करवाया है। तो भाई सबसे पहले तो भाई ये रेड इंसर्ट्स कराए हैं नीचे, यहाँ पे मिरर पे आप देख सकते हैं मिरर भी ब्लैक है भाई, एंड भाई मेरी जो छत है वो भी ब्लैक है, कोई ड्यूल टोन गाड़ी नहीं है भाई ये, मैंने छत काली करा रखी है इस गाड़ी की। बाकी भाई यहाँ पे आपको 16 इंची के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं डायमंड कट, उसके अलावा भाई आपको क्रोम हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं, रिक्वेस्ट सेंसर आपको ऑफर किया जाता है। एंड भाई ये गाड़ी ना मेरे को पर्सनली ना आगे से काफ़ी अच्छी लगती है, आगे से तो भाई काफ़ी प्यारी लुक है इस गाड़ी की, पीछे से मेरे को ठीक ठीक लगती है, बट भाई जितना मैंने थोड़ा ट्राई किया कि जितना मैं बेस्ट लुक इसकी निकाल पाऊँ वो भाई मैंने कर रखा है। तो भाई पीछे से सबसे पहले मेन बात करें, तो भाई यहाँ पे अपना जो स्पॉइलर है, अपना एंटीना भी रैप है, छत भी बिल्कुल रैप है भाई। बाकी पीछे से एक बार बताऊं, तो भाई सबसे पहले तो मैंने इसके अंदर करा रखे लाइट स्मोक करा रखी है, नीचे भाई आप रिफ्लेक्टर्स देख सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर ये जलते हैं। बाकी भाई यहाँ पे भी रेड इंसर्ट्स करा रखी है, यहाँ पे ब्लैक पियानो फिनिश के अंदर आता है, नंबर प्लेट पे यहाँ पे थोड़ी भाई रेड इंसर्ट्स की भाई, जिससे गाड़ी थोड़ी स्पोर्टी लगे। ये भाई जो किया गया लोगों ने, इसको मैंने कार्बन फाइबर रैप के अंदर करवा रखा है। यहाँ पे भाई आपको कैमरे की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाती है। बाकी भाई पीछे से कुछ ऐसी और लुक निकल के आ रही है गाड़ी की अब। बाकी भाई पहले से तो काफ़ी अच्छी लग रही है। बाकी भाई अब मेरा इसके पीछे पीछे से ना एक बस एक काम कराना है, वो मेरे को नीचे लगवानी है एग्जॉस्ट टिप इसके अंदर। मेन बात करते हैं कि भाई इंटीरियर के अंदर मैंने क्या क्या करवाया गाड़ी के अंदर काम। सो भाई इंटीरियर के अंदर सबसे पहले भाई मैंने इस गाड़ी के अंदर लगवाई है एम्बियंट लाइट्स, एक बार आप देख सकते हैं ये भाई मल्टीपल कलर्स के अंदर जलती है, ऐप कंट्रोल्ड वाली है। उसके अलावा भाई इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिल जाती है एक सनरूफ, ठीक है भाई बढ़िया है, शॉक पूरा हो रहा है सनरूफ का इस गाड़ी में। बाकी भाई ऐसे देख लो चारों डोर्स पे लगी हुई है, डैशबोर्ड में लगी हुई है एम्बिएंट लाइट। उसके अलावा बात करें भाई मैट्स, तो भाई मैंने ये GFX के मैट्स डलवाए हैं भाई। वैसे तो मैट बढ़िया है कि गाड़ी गंदी नहीं होने देते, बट भाई इनके एक डिसएडवांटेज बताओ ना भाई, ये ना 24/7 ना बिल्कुल गंदे दिखते हैं यार। जैसे जो 70 वाले मैट्स हो गए वो ना भाई कम से कम थोड़े साफ दिख जाते हैं, ये तो भाई परमानेंट हमेशा गंदे ही दिखते हैं।
क्योंकि ना ये ब्लैक कलर के हैं और धूल मिट्टी इस पे भाई बिल्कुल साफ साफ दिखती है। बाकी भाई अब आ चुके हैं गाड़ी के इंटीरियर के अंदर। यहाँ पे भाई मेरे को बड़ी बड़ी अच्छी खासी स्क्रीन मिल जाती है, इसके अंदर वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो सब कुछ चलता है। एक बार गाड़ी मैं स्टार्ट ही कर लेता हूँ। हैंडल के बारे में बात करें तो भाई डी कट स्टेयरिंग आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। टिल्ट के अंदर आपको एक केबल एडजस्टमेंट मिलता है। यहाँ पे भाई आपको पेडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं। अब इसकी बढ़िया बात क्या है ना, आपको पेडल शिफ्टर अगर यूज करने हैं ना तो आपको इसको डी प्लस में यहाँ पे राइट साइड में स्विच करना पड़ेगा। ये डी पे ही वर्क करते हैं भाई, प्लस माइनस अपने हिसाब से आप कर सकते हैं इसके अंदर एडजस्ट। बाकी भाई सीट कवर्स का भी मैं प्लान करूंगा, क्योंकि भाई जो इसकी सीट कवर है ना, ये ना डैशबोर्ड के मैचिंग से बनाई है कंपनी ने। काफी अच्छी सीट कवर है, कंफर्टेबल सीट्स हैं भाई। बट ना इनका जो थोड़ा कलर है ना भाई, ये व्हाइटिश है तो भाई ये गंदा बहुत जल्दी हो रहा है, जैसे आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत गंदा भी हो चुका है यहाँ से। ये ऑडियो के बारे में बात करें ना तो ऑडियो सेटअप भाई इस गाड़ी का बिल्कुल डिसेंट है, आपको बढ़िया देखने को मिल जाता है। अगर आप ज्यादा शौकीन नहीं है म्यूजिक के तो भाई आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये बेस वेस भी प्रॉपर प्रोवाइड करता है, बट भाई मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा अपग्रेड किया जाए, थोड़ा बेस ट्यूब लगवाई जाए गाड़ी के अंदर। सो मैं प्लान कर रहा हूँ बेस ट्यूब और एम्प का। अब भाई मेरे को ना इसमें प्रॉब्लम क्या मिल रही है ना, क्योंकि मैंने काफी लोगों से सुन लिया कि जो एम्प है ना भाई वो थोड़ी सर की आवाज करता रहेगा हमेशा, क्योंकि वो भाई वो कोई अर्थिंग की प्रॉब्लम होती है मेरे को सुनने में है। तो भाई आप जरा एक बार कमेंट करके मेरे को जरूर बता देना कि अगर आपने कोई बेस ट्यूब लगवा रखी है विद एम्प तो भाई क्या वो आवाज करती है नॉर्मल गाड़ी के अंदर, खड़ी हुई गाड़ी के अंदर, ये एक बार भाई मेरे को बता देना। बाकी भाई अभी देखते हैं फ्यूचर के अंदर और भी इस गाड़ी के अंदर जो भी थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कराएंगे वो भाई आपको मैं सब बताने वाला हूँ। बाकी भाई और कुछ आपको कोई भी डाउट हो ना गाड़ी से रिलेटेड आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी भाई फीचर्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भाई आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, सब कुछ, ट्रैक्शन कंट्रोल, स्नो मड सैंड, यहाँ पे ड्राइव, इको, स्पोर्ट्स मोड, सबकी डिस्प्ले आपको यहाँ देखने को मिल जाती है भाई। उसके अलावा भाई ये मैंने डीजल गाड़ी है एंड भाई परफॉर्मेंस वाइज ना बहुत बढ़िया है भाई। 0 to 100 भी अप्रोक्सीमेटली 10-11 सेकंड के अंदर चली जाती है। तो भाई पीछे स्पेसिंग के बारे में बात करें ना भाई तो मैं तो केवल रिकमेंड करूंगा भाई इस गाड़ी के अंदर 4 adults भाई आराम से इजीली कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं लॉन्ग ट्रिप्स के ऊपर। बाकी भाई 5 बंदा अगर आसपास जाना है तो ठीक है आप ट्रैवल कर लो आराम से, बाकी भाई 5 बंदा फिर थोड़ा सा परेशान हो सकता है। थाई सपोर्ट इस गाड़ी के अंदर मेरे को पीछे थोड़ा सा कम लगा भाई, थाई सपोर्ट के अंदर थोड़ी सी वीक रहेगी भाई ये, थोड़ा सा और बढ़िया होता तो हो सकता था। उसके अलावा भाई पीछे वाली सीट के अंदर एक ये दिक्कत है कि वही ना वो रिक्लाइन नहीं हो पाती पीछे की तरफ, ये बिल्कुल स्टिल रहती है स्ट्रेट सी हल्की सी, अगर थोड़ी सी भी रिक्लाइन होती ना भाई कंफर्टेबल और बन जाती। बाकी भाई जो ये शेड है ये कंपनी से ही आया है। उसके अलावा भी पीछे की तो भी मैंने पन्नियाँ नहीं उतारी हैं, आगे की उतार दी, क्योंकि भाई मेन तो हम दो ही बंदे बैठते हैं, मैं और मेरा फ्रेंड, कॉलेज आने जाने के लिए भाई मेन पर्पस के लिए मैंने ये गाड़ी ली है। यही था ओवरऑल वीडियो के अंदर। बाकी भाई जो भी छोटी मोटी मैंने मॉडिफिकेशंस कराई है, इसके प्राइसेस के बारे में बात करें तो भाई मैंने अप्रोक्सीमेटली इस गाड़ी पर लगा दी है 25 से 30 हज़ार रुपये लग गए भाई मेरे इन छोटे मोटे कामों के अंदर। बाकी भाई एक बार मेरे को अब स्ट्राइप्स का और बताना है, एम्प का बताना कमेंट करके दोनों चीज़ें। उसके अलावा भाई अभी ना इसके अंदर थोड़ी बहुत और मॉडिफिकेशंस कराएंगे मिरर के ऊपर, वो भी भाई आपको सब दिखाने वाले हैं, धीरे धीरे कराएंगे भाई। सो भाई बस यही था ओवरऑल वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई तो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अपने चैनल पे। बाकी भाई जो मेरे चैनल है ना उस पे भाई मैंने काफी लेट वीडियो डाली है, थोड़ी मेरे एग्जाम्स आ गए थे उसके बाद भाई थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था, बट भाई अब से भाई वीडियो बिल्कुल रेगुलर आने वाली है। मॉडिफिकेशन से रिलेटेड आपको सारी वीडियोस देखने को मिल जाती हैं। अगर आप अपनी गाड़ी का भी रिव्यू करवाना चाहते हैं तो भाई आप ऑटो कार गैराज इंस्टाग्राम पे मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरे को भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख लेना, मैं वहाँ पे भी रिप्लाई कर दूंगा। तो भाई बस यही था ओवरऑल वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई तो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अपने चैनल को ऑटो कार गैराज। थैंक यू सो मच।